अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट जो है पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, PMSSS की इंस्टॉलमेंट जो है स्कॉलरशिप पेंडिंग है उसके रिलेटेड। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने रिसेंटली जो है ग्रेवियंस पुट करी थी AICTE के पोर्टल पे, तो कुछ दिन पहले सभी स्टूडेंट्स की ग्रेवियंस का जो है सेम रिप्लाई आया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे साथ स्क्रीन शॉट व्हाट्सएप पर शेयर किया, तो मैंने भी ग्रेवियंस करी थी उसका भी मुझे रिप्लाई जो यहाँ पर दो दिन पहले आ गया है। तो इसी के रिलेटेड हम थोड़ा बात करेंगे कि असल में मसला क्या है, AICTE का कहना क्या है और स्कॉलरशिप कब आएगी, और उसके बाद मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि किस तरह से आप जो है ग्रेवियंस पुट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स ने जो फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी पहले वहाँ पर PMSSS के पोर्टल पर लगाई थी रजिस्ट्रेशन के टाइम, फ़ोन नंबर तो चाहे सिम उनका खो गया है या बंद हो गई है या ईमेल आईडी का कुछ मसला हो गया है, अब वो उसे चेंज करना चाहते हैं, तो वो मैं दिखाऊंगा आपको कि वो किस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिए, एक भी पॉइंट आप स्किप मत कीजिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, वहाँ से जाकर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए, ताकि जो भी आपका कन्फ्यूजन हो वहाँ से जाकर आप हमें पर्सनली पूछ सकते हैं। गर्ल्स के लिए हमने सेपरेट ग्रुप बनाया है, वो वहाँ से जाकर ग्रुप में ज्वाइन होकर मुझे पर्सनली मैसेज कर दें, मैं उनको गर्ल्स ग्रुप की जो है लिंक शेयर करूँगा। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये है ग्रेवियंस का रिप्लाई जो रिसेंटली मैंने करी थी ग्रेवियंस, तो इसका रिप्लाई मैं थोड़ा सा यहाँ पर जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखते हैं इसमें रेस 20,000 हैज़ बीन ऑलरेडी पेड फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर एज बीइंग वर्चुअल जॉइनिंग एंड ऑनलाइन क्लासेस ड्यू टू COVID-19। कहते हैं कि 20,000 जो है फर्स्ट सेम के लिए या बाकी सेम्स के लिए सब स्टूडेंट्स को ऑलरेडी दी गई है, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे थे ड्यू टू COVID-19 की वजह से। फर्दर इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाई द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दैट बेस्ड ऑन कंटेंशन सर्टिफिकेट और रिजल्ट रेस 20,000 फॉर इवन सेमेस्टर दैट इज सेकेंड सेमेस्टर मे बी प्रोसीड। इसमें लिखते हैं कि जो अथॉरिटी है, हायर अथॉरिटीज़ AICTE की, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि जो 20,000 हैं फ़िलहाल इवन सेमेस्टर के लिए वो जल्दी ही रिलीज़ कर दी जाएंगी, जैसे सेकेंड सेमेस्टर या बाकी सेमेस्टर जिनका भी हो उनको 20,000 जो है वो रिलीज़ कर दी जाएंगी। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स जो जिनका ईयर वाइज है वो सोच रहे थे कि हमारा रिज़ल्ट जो है पेंडिंग है तो हमें किस बेस पे स्कॉलरशिप आ जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ रिज़ल्ट और कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट, जिनका ईयर वाइज है तो वो कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट अपलोड करवा लें, जिनका सेमेस्टर वाइज है वो दोनों ही अपलोड करवा लें। तो उसी बेस पे जो है 20,000 फ़िलहाल के लिए जो है वो रिलीज़ कर दी जाएगी। उसके बाद अकॉर्डिंगली द क्लेम इज़ अंडर प्रोसेस, जो ये 20,000 से है ये अंडर प्रोसेस है, वो जल्दी ही रिलीज़ कर दी जाएंगी। द सस्पेंडेड और पेंडिंग अमाउंट कुड बी कंसिडर्ड लेटर ऑन सेपरेटली आफ्टर रिसेप्ट फ्रॉम ऑर्डर फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। उसके बाद कहते हैं कि जो पेंडिंग स्कॉलरशिप रहती है, मतलब फर्स्ट ईयर वालों की या सेकेंड ईयर वालों की, जो 60,000 सस्पेंड हुई है उसको भी जो है सेपरेटली, मतलब बाद में उसको जो है रिलीज़ कर दिया जाएगा, जब तक उसका जो है क्लियर हो जाएगा। रिसेंटली उसकी नोटिफिकेशन आ गई है और उसके बारे में जो फाइनल डिस्कशन क्या ली जाएगी, तो मतलब ओवरऑल यही है कि जो सस्पेंडेड थी वो भी आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स जो है मैसेज करके पूछ रहे थे कब तक आ जाएगी, क्या आ जाएगी। देखिए, आप अगस्त जो मंथ है इसमें आप वेट करिए कि जिनका फाइनेंस में है ये 20,000 नेक्स्ट सेम के, उनको डेफिनेटली अगस्त मंथ में आ जाएंगे, 20-25 अगस्त तक आ जाएंगे। जिनकी कंटिन्यूशन रिजल्ट अपलोड है उनका भी अगस्त एंड तक जो है ये 20,000 आ जाएंगे। उसके बाद सस्पेंडेड अमाउंट जो है उसके बारे में थोड़ा टाइम लगेगा, सितंबर अक्टूबर तक तो वो भी आ जाएगा। फाइनल डिसीजन क्या हो जाता है उसके बारे में, वो सितंबर अक्टूबर तक आ जाता है। लेकिन अभी स्टूडेंट कह रहे हैं कि एक ही दिन में आना चाहिए, एक दिन में नहीं आता है, इसको टाइम थोड़ा नहीं बहुत टाइम लगता है इसमें, तो ये डेफ़िनेटली पूरी की पूरी इंस्टॉलमेंट्स आपको मिल जाएगी। तो ये था जो ग्रेवियंस का रिप्लाई स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा था, ये हमने थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश की। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ग्रेवियंस कैसे पुट करते हैं और आप कैसे वहाँ पर पोर्टल पे जो है फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी को चेंज कर सकते हैं। जिस टाइम PMSSS के पोर्टल पर आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर अगर ऊपर आप देखें, यहाँ पर आपके पास ग्रेवियंस का एक ऑप्शन आएगा और एक नोटिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। आपको सिंपली जो है ग्रेवियंस के ऑप्शन पे टैप
करना है। जिस टाइम आप ग्रीवेंस के ऑप्शन पे टैप करेंगे तो आपके पास इस तरीके का, जब आप टैप करेंगे तो आपके पास इस तरीके का कुछ इंटरफेस आ जाएगा। इंटरफेस आने के बाद यहाँ पर जो है आपको एक सबमिट ग्रीवेंस का ऑप्शन आ जाएगा। मेरे पास तो नहीं आ रहा है अभी, क्योंकि रिसेंटली जो मैंने ग्रीवेंस करी थी उसका जो है यहाँ पर रिज़ल्ट आ गया। इसके बाद एक महीने के बाद मुझे सेकेंड ग्रीवेंस का जो ऑप्शन आ जाएगा। फिलहाल अभी कुछ ही दिन इसमें हुए, अभी आने वाला नहीं है। तो जब आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको सबमिट ग्रीवेंस का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर जब आप टैप करेंगे उसके बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। वो फर्स्ट पे आपको जो है सिलेक्ट करना है जो ग्रीवेंस किन कौन सी टाइप की आपकी करनी, वहाँ पर जो है डिटेल्स रॉन्गली इनकोरेक्टली फिलिड या कुछ और डिटेल्स के बारे में लिखना। उसके बाद आपको नीचे उसमें लिखना है टोटल के मेरा जो मैंने फ़ोन नंबर लगाया था इसमें मेरा सिम खो गया या बंद हो गया या ईमेल आईडी क्लोज हो गई तो इसको चेंज कर दीजिए। दूसरा नंबर है वो वहाँ पर आपको लगा लेना है। या ऐसे, या अगर आप ऐसे नहीं कर सकते, आपके पास ग्रीवेंस का ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो आप एक काम करिए, हेल्प डेस्क जो AICTE की है उसकी मेल आईडी जो है वहाँ पर जाकर आप उनको मेल करें कि हमारा जो फ़ोन नंबर है उसको आप चेंज कर दें। वो जो है वो आपको चेंज कर देंगे, 10-15 मिनट में आपको उसमें रिप्लाई आ जाएगा। अगर आपके पास वो मेल आईडी नहीं है तो मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में वो मेल आईडी लगा लूँ, तो वहाँ से जाकर आप उसको ले सकते हैं और मेल आईडी में उनको मेल कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये उम्मीद है आपके जो कन्फ्यूजन्स थे ग्रीवेंस के रिलेटेड और स्कॉलरशिप के रिलेटेड वो क्लियर हो गए होंगे। अगर स्टिल आपको कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट है तो वो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर हमें पर्सनली भी मैसेज करके पूछ सकते हैं।